नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो और मैं भी ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और सोनम कुमार जी ने ये रिक्वेस्ट किया था, मुझे इंस्टाग्राम पे एक पिक सेंड किया था उन्होंने। इस तरह का जो स्लीव्स का डिजाइन है, कैसे काटिंग करना है, कैसे सिलाई करना है, वो ही उनको जानना है। तो उनकी रिक्वेस्ट के हिसाब से आज ये वीडियो है। देखिए, आपका भी कोई भी रिक्वेस्ट होता है, कोई भी डिजाइन आप मुझे सेंड करना चाहते हो, उस टाइम पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी देखिए नीचे लिखा हुआ है शानो फैमिली ब्लॉग। ये मेरे पर्सनल जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग का इंस्टा आईडी है। आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई भी डिजाइन हो आप यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, आपकी डिमांड के हिसाब से वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते हैं एक छोटा सा स्माइल के साथ। यहाँ पे देखिए फैब्रिक टू फोल्ड में लगभग 19 इंच है, तो यहाँ पे भी फैब्रिक थोड़ा कम है, और भी ज्यादा होगा तो और भी अच्छा होता है। चौड़ाई में देखिए लगभग 7.5 इंच है, ध्यान में रखना है ये टू फोल्ड में है। जितना स्लीव्स का आपका मेन चौड़ाई होता है उससे आपको डबल लेना है। यहाँ पे देखिए स्लीव्स का लंबाई थोड़ा देख लेती हूँ, लगभग 7 इंच से 200 ज्यादा है, अपने हिसाब से कम ज्यादा आप यहाँ पे ले सकते हो। और चौड़ाई में देखिए 9 इंच से 200 ज्यादा है, तो जितना होता है उससे डबल लेना होता है। इस स्लीव्स के लिए फैब्रिक ज्यादा चाहिए, फ्रंट के लिए जरूर शेप लगा के रख देना है, और नीचे के लिए मुहूरी के लिए मैंने अलग से और एक फैब्रिक काट लिया। मुहूरी की जितना गुलाई है उसी हिसाब से थोड़ा सा 1.5 इंच या 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, अस्तर भी काट कर लेना है। देखिए यहाँ पे दोनों साइड से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी, इसको बाद में नीचे की तरफ हमें ज्वाइन कर लेना है। तो फिर चलिए अभी देखना है प्लेट्स कैसे देना है। उसके पहले देखिए जो फैब्रिक है इसके मिडल पे हमें दोनों साइड पे काट कर लेना है, और देखिए साइड पे जहाँ पे ओपन साइड है यहाँ पे 6.5 इंच पे हमें निशाना लगा के रख देना है। ऊपर की तरफ भी देना है और नीचे की तरफ हमें देखिए यहाँ पे निशाना लगा के रख देना है। हल्का सा यहाँ पे काट लगा के रख दूंगी, तब सिलाई करते वक्त बहुत ही इजी होगा। अभी देखिए यहाँ से मिडल पे बिल्कुल इस तरीके से आपको प्लेट डाल लेना है। आप चाहो तो पहले आयरन से इसको मिला सकते हो, या चाहो तो पहले पिनअप भी कर सकते हो। मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी, आप चाहो तो यहाँ पे अगर फैब्रिक बहुत ज्यादा होता है तब 2 इंच ऐसे आप निशाना लगा लीजिएगा। मेरे पास फैब्रिक कम है जिसके कारण मैं 2 इंच पे नहीं रखूंगी, इससे भी थोड़ा कम रखूंगी। फैब्रिक ज्यादा होता है तो देखने में और भी अच्छा लगता है। देखिए ऐसे आप मिला लो, प्लेट्स डाल दो, डाल के आप यह पिनअप कर लो, चाहो तो आप आयरन भी कर सकते हो। तो अगर आपको अस्तर देना है तब सेम आपको बराबर अस्तर काट कर लेना है, एक साथ मिला के आपको लगा के चारों ओर घुमा के फिर आपको यहाँ प्लेट्स देना है। चाहो तो बाद में भी दे सकते हो, लेकिन एक साथ देने में देखने में अच्छा लगता है। देखिए ऐसे मैंने बराबर मिला लिया, अब इसको सिलना है। तो उसके पहले जो नीचे का पार्ट है पहले इसको मैं सिलाई कर लेती हूँ। देखिए मुहूरी के साइड पे मैं सिलाई लगा लूंगी और ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लूंगी, सिर्फ दोनों साइड पे हमें ओपन रखना है। स्लीव्स का ये जो डिजाइन है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी देखिए एक साइड पे हो गया है, अभी दूसरे साइड पे भी सेम तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, वीडियो पसंद आने पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल की घंटी पे क्लिक करना ना भूले। देखिए इस तरीके से एक दोनों साइड पे सिलाई करने के बाद अभी इसका पलट लेना है, सीधी साइड बाहर की तरफ लेके आना है। चाहो तो पहले इसको आयरन भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आयरन नहीं किया। अभी देखिए इसमें हमें प्लेट्स डालना है, तो देखिए बराबर जैसे मैंने बोला था पहले बिल्कुल वैसे आपको पहले हमें मिला के लेना है। मिला के मैं एक साथ प्लेट को यहाँ पर डाल के नीचे की तरफ पहले सिलाई लगा लूंगी, मुझे पिनअप नहीं करना है, डायरेक्ट मैं सिलाई लगा लूंगी। नीचे की तरफ प्लेट डालने के बाद मैं आयरन करके इसको सेट कर लूंगी। आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे आयरन करके भी कर सकते हो, या चाहो तो पिनअप करके भी कर सकते हो। इस तरह से डायरेक्ट प्लेट्स देने में अगर आपको दिक्कत होता है उस टाइम पे आप पहले पिनअप कर लीजिएगा, या चाहो तो सुई धागा लेके हाथ से भी सिलाई कर सकते हो। एक साइड से सिलाई करने के बाद दूसरे साइड पे भी सेम तरीके से हमें पहले प्लेट्स मिलाना है, मिलाने के बाद मैं सिलाई लगा लूंगी। तो जिनको दिक्कत होता है वो डायरेक्ट मशीन से मत सिलाई कीजिएगा, और अस्तर देना है तो साथ में आप अस्तर भी डाल दीजिएगा। जितना तक मैंने निशाना दिया था 6.5 इंच, सिर्फ उतना ही आपको प्लेट्स देना है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे प्लेट्स नहीं देना है। देखिए बराबर यहाँ पे हो गया है, अभी इसको भी सिलाई करके हमें सेट कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद आप चाहो तो एक एक करके यहाँ पे आयरन करके भी मिला सकते हो, या चाहो तो पहले अलग अलग करके यहाँ पे पिनअप करके उसके बाद भी आप आयरन कर सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे नहीं सिर्फ आपको पिनअप करके ही करना है या आयरन करके ही करना है, वैसे कोई बात नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा रही हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट आयरन लगा लूंगी। आयरन करके करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ईजी होता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी जो पेपर मैंने पहले काट किया था ना स्लीव्स के लिए, आपको जरूर स्लीव्स के लिए पेपर डबल काटना है।
काटने के बाद देखिए मैंने भी पिनअप कर लिया पूरा जितना पेपर है इसके साथ मैंने ये जो प्लेट्स है ना पिनअप करके मिला लिया। अभी देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे घुमा के हमें सिलाई करना है। मैं डायरेक्ट पेपर पे सिलाई लगा लूंगी। आप डायरेक्ट पहले पेपर पे सिलाई कर लीजिएगा, अलग अलग दो स्लिप्स के लिए दो पेपर काट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको सिलाई करने में दिक्कत होगा। अगर बराबर नहीं होगा उस टाइम पे देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देख सकते हो मैं जिस तरीके से यहाँ पे सिलाई किया आपको भी सेम तरीके से सिलाई करना है, उस टाइम पे आपका स्लीव देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होगा, देखने में बिल्कुल ही बुरा लगेगा, बेकार लगेगा। यहाँ पे देखिए प्लेट्स नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी, तब क्या होगा, बिल्कुल फैब्रिक बराबर रहेगा और सिलाई के ब्लाउज के साथ जब सिलाई होगा तब देखने में अच्छा लगेगा। देखिए नीचे की तरफ भी आपको सीधा करके जैसे पेपर पे है बिल्कुल वैसे करके सीधा करके आपको सिलाई लेके जाना है। फेब्रिक पे तिरछा है लेकिन आपको तिरछा सिलाई नहीं देना है, पेपर के हिसाब से आपको यहाँ पे लेके जाना है। देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे यहाँ पे सिलाई हो गया है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें काट कर लेना है। पहले पिनअप में निकाल लेती हूँ, निकालने के बाद इसका पलटना है, पलट के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी काट कर लीजिएगा। लेकिन पेपर काटिंग करते वक्त आपको फ्रंट के लिए जरूर शेप लगा के रखना है, ये मत भूलना, नहीं तो आप पहनने के जब पहनोगे ना तब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए नीचे की तरफ भी जितना एक्स्ट्रा है पूरा मैं काट लूंगी पेपर के हिसाब से। दोबारा से बोलना चाहूंगी सेम आप डबल पेपर काट लीजिएगा दोनों साइड के लिए। देखिए बिल्कुल बराबर हो गया है। अभी जो नीचे के लिए मैंने पहले सिलाई किया था ना इसको देखिए नीचे की तरफ सिलाई लगा लूंगी, लगभग हाफ इंच मैं अंदर की तरफ रखूंगी, रख के मैं बराबर इसको सिलाई लगा लूंगी। दोनों स्लीव्स हमें सेम तरीके से सिलाई कर लेना है। पहला सिलाई देने के बाद आपको यहाँ पे और एक सिलाई लगा लेना है, डबल सिलाई जरूर देना है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग लेस भी लगा सकते हो और नीचे की तरफ भी मोहरी पे हमें और एक सिलाई लगाना है। मोहरी पे सिलाई नहीं देने से अंदर की तरफ जो अस्तर है बाहर की तरफ आने लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखिए यहाँ पे टू फोल्ड करना है, फ्रंट का शेप चेक करना है या नहीं। देखिए फ्रंट के लिए अलग से शेप है, ये बिल्कुल बराबर है। अभी देखिए इसको सीधा करके यहाँ पे क्या करना है, जो अंदर की तरफ जो पेपर है ना इसको निकाल लेना है। आप चाहो तो बाद में भी निकाल सकते हो लेकिन पहले निकाल लेने से क्या होगा, ब्लाउज के साथ जोड़ने में ये बहुत ही ईजी होगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि पेपर बहुत ही मोटा है, इसलिए पहले आपको इसको निकाल दो। अभी नीचे की तरफ कोई भी बटन लगा दो, कोई भी फ्लावर लगा दो, कुछ भी लगा दो, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए ये आप ब्लाउज हो कुर्ती हो किसी में भी लगा सकते हो, आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको ये डिजाइन पसंद आया होगा, पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखा ना दोस्तों कितना इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे काटिंग करना है। जितना इजीली हो सके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और पसंद आने पे एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है पसंद आने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल का घंटी है उस पर क्लिक करना ना भूले मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज के लिए यहाँ तक है, सब लोग ठीक ठाक रहेगा, टाटा।